भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तथा वर्तमान में ब्यावर उपखंड अधिकारी के पद पर पदस्थापित राहुल जैन का स्थानांतरण माउंट आबू सिरोही हो गया है। राज्य सरकार ने गुरुवार देर शाम को एक आदेश जारी कर जैन का तबादला माउंट आबू सिरोही के लिए किया है। साथ ही ब्यावर में उक्त पद पर मृदुल सिंह को लगाया है। एसडीएम जैन का ब्यावर से तबादला होने की जानकारी पर ब्यावर कोर कमेटी के पदाधिकारियों ने उनका तबादला निरस्त करने की मांग की है। इस बाबत कमेटी पदाधिकारियों ने शुक्रवार सुबह राज्य के राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। राज्यपाल के नाम दिए गए ज्ञापन में कमेटी पदाधिकारियों ने बताया कि गुरुवार देर रात को राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण किए हैं जो दोषपूर्ण हैं। राज्य सरकार के इन आदेशों का शहर के सभी नागरिक संगठन विरोध दर्ज करवाते हैं। ज्ञापन में ब्यावर उपखंड अधिकारी राहुल जैन के माउंट आबू सिरोही किए गए तबादले को तुरंत निरस्त करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में ब्यावर कोर कमेटी के पदाधिकारी तथा सदस्य शामिल थे। सुरक्षा सर, राज्यपाल का आदेश से एक प्रमुख शासन सचिव देवेंद्र कुमार जी का एक आदेश आया है कार्मिक विभाग का, जिसमें आईएएस अधिकारियों की सूची निकाली है। एसडीएम साहब का भी उसमें नाम है, राहुल जैन साहब का। तो राहुल जैन साहब का यहाँ का जो कार्यकाल है बहुत ही ऐतिहासिक कार्यकाल है। उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं सामाजिक समरसता, सामाजिक सरोकारों से संबंधित राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों में जो यहाँ के लोकल्स काम है उनको बहुत ही निष्ठापूर्ण करते हुए प्रायणता दिखाते हुए शहर हित में उपखंड हित में बहुत सारे काम किए हैं। और उससे हम उनके ट्रांसफर से हमारे संगठनों में पूरे ब्यावर उपखंड में असंतोष है और कुल मिला के हम इस ट्रांसफर का विरोध करते हैं। और ट्रांसफर तुरंत निरस्त नहीं होता तो हम आगे की आंदोलन की कार्रवाई भी कर सकते हैं। इस आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त करें और एसडीएम साहब का ये प्रमोटेड मतलब होना चाहिए, उनको कलेक्टर बनना चाहिए। इस ट्रांसफर के पीछे हमको तो कुछ भूमापियों को हाथ भी लग रहा है।